हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जायका का तड़का। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिली चिकन, जिसके लिए हमने चिकन लिया है जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है। अब हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करने जा रहे हैं। ये कुछ मसाले हम इसमें डालेंगे ताकि हम इसको अच्छे से मैरिनेट कर पाएं। ये हमने नमक ऐड किया, इतना हमने गरम मसाला लेना है और इतना चिकन मसाला, और ये हाफ टी स्पून जो है ये लेमन जूस ऐड करेंगे हम इसके अंदर, और हाफ टी स्पून जो हमने सोया सॉस लिया है, और हाफ टी स्पून जो हमने ले लिया है टमाटो सॉस। ये जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं ये हाफ के जी चिकन के लिए हैं। आप अगर ज़्यादा बनाते हैं तो उसी के हिसाब से ले लें। और अब इसमें कॉर्नफ्लोर जो ऐड करने जा रहे हैं हम, और अब हमने एक चम्मच जो है वो राइस फ्लोर ऐड करना है इसमें। राइस फ्लोर ऐड करने के बाद ये हम ऐड करने जा रहे हैं लहसुन एक चम्मच और ये दो चम्मच। अब हमने जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं अब हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेहतर यही कि हाथों से मिक्स कर लें। अब ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया इसको, अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एग डालेंगे और अब अच्छे से मिक्स कर लेना इसको। मिक्स करने के बाद हमने अब इसको 10 मिनट तक फ्रिज में रखना है। 10 मिनट फ्रिज में रखने के बाद हमने अब इसको निकाल दिया। हम अब इसको फ्राई करने जा रहे हैं। ऑयल को अच्छे से पका लेने के बाद हम इसमें अब डालेंगे चिकन। हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम फ्राई कर रहे हैं तो लो फ्लेम पर गैस को रखते हैं। अब ये ली है हमने थोड़ी सी धनिया और ये ग्रीन चिल्ली, हम इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमने ये ग्रीन चिल्ली और धनिया अच्छे से ग्राइंड कर ली है। ये हमारा चिकन जो है फ्राई हो चुका है दूसरी साइड। तो हमने अब ये प्याज ऐड कर दिए इसके अंदर, इसके लिए पेस्ट बनाने जा रहे हैं। प्याज को अच्छे से पकाने के बाद हम अब इसमें ऐड करने जा रहे हैं लहसुन पेस्ट। इसको भी अच्छे से पका लेना है हमें। हमने अब ये पेस्ट तैयार कर दिया है अच्छे से पकाने के बाद। और ये जो हमने ग्राइंड किया था चिली को और धनियों को, अब हमें इसे अच्छे से पका लेना है। ये जो पेस्ट था ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चिकन। पाँच से दस मिनट तक हमें इसे पका लेना है। तो फाइनली हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये रहा आपका चिली चिकन। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।